सत श्री अकाल जी, चढ़दी कला टाइम टीवी उत्ते फास्ट न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल, एक नज़र मारदे हुण तक दीआं खास खबरां ते। गुजरात के अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 हुए सीरीयल ब्लास्ट मामले के दोषियों अज सज़ा सुनाई गई। 38 दोषियों फांसी और 11 नूं उमर कैद की सज़ा सुनाई गई है। 8 फरवरी सिविल कोर्ट ने 78 विचों 49 आरोपियों यूएपीए के अधीन दोषी करार दिता सी। कोर्ट ने कहा कि इन्हां धमाकियां विच मारे गए लोगों के परिवार को 1 लख, गंभीर जख्मी 50,000 और मामूली जख्मी 25,000 रुपए की मदद भी दी जाएगी। दसणयोग है कि अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 70 मिनटों दौरान 21 बंब धमाके हुए सन। शहर भर में हुए इन धमाकों में 56 लोगों की जान चली गई थी, जदों के 200 जख्मी हुए सन। हरियाणा के सोनीपत में पंजाबी अदाकार और किसान हितैषी दीप सिद्धू की मौत के मामले में ट्राला ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दीप के भरा के बयान से ड्राइवर विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। दोषी ड्राइवर का नाम कासिम है, जो कि नूह जिले के पिंड सिंगार का रहने वाला है। हरियाणा पुलिस ने दोषी अज कोर्ट में पेश किया, जिस तों बाद अदालत ने दोषी जमानत उत्ते रिहा कर दिता। हालांकि पुलिस ने दोषी के 2 दिन के रिमांड की मांग की। चोण प्रचार के आखिरी दिन पंजाब कांग्रेस वालों शुक्रवार को चोण मनोरथ पत्र जारी कर दिया गया। कांग्रेस वालों जारी चोण मनोरथ पत्र में रुजगार, सिक्ख्या और सेहत सहूलतों वाल खास ध्यान दिया गया। कांग्रेस पार्टी वालों 13 नुकां ते चोण मनोरथ पत्र जारी करने मौके पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, राजीव शुक्ला, हरीश चौधरी और पवन खेड़ा मौजूद रहे। कांग्रेस का चोण मनोरथ पत्र जारी करदिआं कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस का 13 नुकाती चोण पत्र श्री गुरु नानक देव जी तो प्रेरित है। सिद्धू ने कहा कि सरकार बनने उत्ते कांग्रेस सरकार दीआं पहलकदमियों विच 5 लख नौकरियां 5 सालों में दित्तियां जाणगीआं। उन्हें कहा कि पंजाब विच किसी भी परिवार का मकान कच्चा नहीं रहेगा, हर घर पक्का बनाया जाएगा। इस दे नाल ही उन्हां औरतां लई 1100 रुपए प्रति महीना देण अते साल विच 8 सिलेंडर मुफ्त देण दा ऐलान किया। उन्हें अगे दस्सिआ कि सरकार बीज, मक्की ते दालां ते तेल खुद खरीदेगी, चौलों की विभिन्नता लिए कदम चुके जाएंगे। पंजाब में चोण प्रचार का अमल अज शाम 6 बजे बंद हो गया। 20 फरवरी हुण वोटां पैणगियां, 10 मार्च में वोटां की गिणती होगी। अमृतसर की गल करिए तो इत्थे दे डीसी गुरप्रीत सिंह खैरा ने कहा कि पोलिंग लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। खैरा ने प्रैस कॉन्फ्रेंस में गलबात करदिआं कहा कि जिले के कुल 2218 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, हरेक पोलिंग बूथ उत्ते सीसीटीवी राही निगरानी की जाएगी। साबका कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने अमृतसर पूर्वी में प्रैस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने सिद्धू जोड़े उत्ते तिखा निशाना साधिया और कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने हलके के विकास कार्यों वाल कोई ध्यान नहीं दिता। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू वालों कहा गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखबीर सिंह बादल एको सिक्के के 2 पहलू ने, कैप्टन जां बादलों की चोण करना पिछा खड़ी कदम होगा। उन्हें कहा कि जेकर बदलाव लियाना तो वह एक योजना नाल लोगों के सामने खड़े ने। 20 फरवरी को पैण वाली विधानसभा चोणों को लेकर अच्छ चोण प्रचार खत्म हो गया। चोण प्रचार के अखीरले दिन पटियाला में पंजाब लोग कांग्रेस के प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह के हक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चोण प्रचार करने लिए पहुंचे, जिन्हों का भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहां वालों विरोध किया गया। इस मौके किसानों ने अपनी मंगों को लेकर केंद्र सरकार खिलाफ नारेबाजी की। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम ने 21 दिन की फरलो देने उत्ते हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। अदालत ने सोमवार को सरकार को वो रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म भी दिया, जिसके आधार उत्ते सरकार ने फरलो जारी की है। जाते जाते नजर मारते आने वाले कल के मौसम के हाल उत्ते। चढ़ती कला फास्ट न्यूज़।